बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़े दिल वाले छोटे मियां, 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 छोटे मियां। एक फेवर कर दो यार, उसके उसके कमरे की सारी चीजें जला दो, उसकी चीजें देखता हूं मैं, तो बहुत याद आती है यार मुझे, वो बहुत याद आती है। मुझे भी वही लगता है जो कमाल भाई को लगता है, सर्दी शापी को लगता है, या पीनेश को लगता है, क्या पुलिस वाले को लगता है कि आप मुलव्वस हैं? क्या कसूर था मेरा? मुझे इस हाल तक पहुंचा था। मैं औरत हूं इसलिए। छोटे मियां, छोटे मियां, छोटे मियां, छोटे मियां। अस्सलाम वालेकुम। मैं सूरत का क्लास फेलो उमर सईद। मुझे इनके बारे में पता लगा तो मेरे कुछ ताल्लुकात हैं, उसी की बेस पे इनको जेल से निकलवा के लाया हूँ। आप लोग सूरत को देख के खुश नहीं हुए? सूरत घर वापस आ गई है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग सूरत को देख के खुश होंगे। खैर, ये आप लोग के घर का मैटर है। मैंने गलती कर दी, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। मैं चलता हूं सूरत, अपना ख्याल रखना। पिछले 8 माह में मुझे कभी इतनी तकलीफ नहीं। जितनी अब इस वाकये से हुई है, बल्कि शादी के बाद सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा दिल बर्दाश्त बात है। जब से आपको ये लगने लगा कि मेरा और सलमान का अफेयर, बल्कि शायद वो बात भी थोड़ी कम तकलीफ दे थी। एक जालिम से जालिम मर्द भी अपनी बीवी को जेल की सलाखों के पीछे देखकर अफसरदा हो जाता। थोड़ी सी हमदर्दी होती है उसे अपनी बीवी से, लेकिन आपको अब उस वक्त भी मेरा एहसास नहीं हुआ। आप उस वक्त भी मेरे साथ नहीं खड़े थे। मेरा उस वक्त वहां खड़ा होना बनता ही नहीं था। इसी बात का अफसोस वो उमर जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कुछ भी नहीं लगता वो मेरा, उसे मेरा एहसास है, लेकिन आप जिससे मेरा जिंदगी भर का ताल्लुक है, आपको मेरा कोई एहसास नहीं। यही तो मसला है। हर दौर में हर वक्त में आपके पास कंपैरिजन के लिए एक मर्द होता है। और दिल बर्दाश्त बात करती है। मैंने कोई दिल बर्दाश्त बात नहीं की है, जो हकीकत पर मबनी है वो बात की है। मैयत का घर है, आपसे बहस नहीं करूंगी। लेकिन जितनी तकलीफ आज मुझे इस बात से हुई है, समझ में नहीं आ रहा वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही। क्या बात हो सकती है, कल रात से मैं मुतवातिर उसे फोन कर रहा हूँ, वो फोन उठा ही नहीं रही। इंशाअल्लाह उस घर में अभी भी कुछ मसला चल रहा है, लोग आ जा रहे होंगे इसीलिए वो मसरूफ होगी। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आप बैठे ना, बैठे। इंजा जी वो आपकी तबीयत ना खराब हो इसी वजह से आपको बताया नहीं। वो अलिश्पा है ना जिसने खुदकुशी की है,
बस उसी के सिलसिले में पुलिस घर पर आई थी तश्वीश करने के लिए। तो जज्बात में आके अलिश्पा के वालदैन ने सलमान और सूरत पे इल्जाम लगा दिया कि उन दोनों ने मिलके अलिश्पा का कत्ल किया है। फिर आपको पता है कि फिर सूरत को पुलिस स्टेशन ले गई तश्वीश करने के लिए। और फिर एफआईआर भी कट गई। अरे उनकी जुर्रत कैसी हुई कि उन्होंने मेरी बेटी पर इल्जाम लगा दिया, एफआईआर कटवा दी? नहीं, अब अल्लाह का शुक्र है कि सारे मामलात खत्म हो गए और सूरत अपने घर आ गई है। ना सब कुछ हो गया और मुझे खबर ही ना हुई, मगर अब वो क्यों नहीं फोन उठा रही? इसीलिए आपको नहीं बता रहे थे ताकि आपकी तबीयत ना खराब हो। और हाँ, अभी आप सूरत को कोई कॉल नहीं करेंगे क्योंकि वो सदमे की हालत में है ना। हम कल सूरत को कॉल करेंगे और फिर उससे बात भी कर लेंगे। मेरी बेटी के ऊपर उन लोगों ने इल्जाम लगाया कैसे? इंशा जी, जिस घर में मैयत हो जाती है ना, तो सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। लेकिन जब उन्हें बाद में एहसास हुआ कि गलतफहमी हुई है, तो उन्होंने अपना बयान बदल दिया। तुम समझती हो उन्हें इस बात का एहसास है उन्होंने ये कहा था? जी इंशा जी, उन्होंने ये बात कही थी। आप परेशान ना हो, मजीद आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, मैं ठीक हूँ। अभी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, वो साहब कौन थे जिन्होंने सूरत को थाने से छुड़वाया है? सच पूछो तो मुझे अब इस वाकये के बाद सूरत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। उसकी हर हरकत पे मुझे शक हो, समझ नहीं आती। छोटे मियां से शादी कर ली, अचानक सलमान से ताल्लुक बन गया, और अब ये उमर कौन है? कहां से आ गया ये उमर? खैर, मुझे क्या, मुझे तो रहने नहीं है यहाँ पर। अब मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अभी तय कर लिया आपने कि आप नहीं रहना चाहती? हाँ, मुझे बस जाना है यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं उसके खाली कमरे को देखती हूँ तो मेरा दिल कटने लगता है। मेरी मासूम बच्ची चली गई, मेरा यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता। जिस घर में, जिस शहर में मेरी बच्ची नहीं, मैं वहां रहकर क्या करूंगी? कम से कम मैं और कमाल साहब ये जगह छोड़ दें, तभी जिंदा रह सकेंगे। और तो और, सूरत बेगम भी छूट कर आ गई है। जब जब इस मनहूस को देखूंगी, मुझे अपनी अलिश्बा याद आएगी। बेहतर यही है कि मैं यहाँ से चली जाऊं, हमें नहीं रहना यहाँ। कमाल साहब ने तो टिकट भी करवा ली। तो क्या आप चली जाएंगी? छोटे मियाँ जाने और उनकी बेगम साहिबा, तुम लोग जानो और तुम्हारा काम जाने। मैंने आपा जान को भी बोल दिया। हेलो, क्या हाल है मेरी बेटी का? ठीक तो हो? जी ठीक हूँ मैं। एक हफ्ता हो गया बेटा रिश्वा के मसले को। मेरी तबीयत खराब थी तो पूछने भी नहीं आई। मेरी नाराजगी तो बनती है ना। बस वो घर के कामों में मसरूफ थी। क्या काम किया अपने आप? बाप को भी पूछने नहीं आई। मैं अस्पताल में था, हार्ट अटैक हुआ था मुझे। जी इंशा जी। अच्छा, मैं सॉरी करती हूँ। अब तबीयत कैसी है आपकी? चले, मैं ठीक हूँ। मैंने आपको अब माफ किया, लेकिन बाप की खैरियत पूछने आ जाओ तो अच्छा है। अगर तुम ना आई तो फिर मैं आ जाऊंगा।
वैसे ससुराल में बाप का जाना कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर भी अगर तुम्हें इजाजत नहीं है और तुम नहीं आ सकती तो फिर हम खुद तुमसे मिलने चले आएंगे। जी ठीक है, मैं आती हूँ एक दो दिन। मनीषा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बोलो, आप ठीक है ना? मैंने आपको बहुत मैसेजेस किए। I just want to say you sorry. You fine ना? एक रिप्लाई नहीं दिया मुझे। सॉरी मैसेजेस का क्या मतलब? It's mean. I just want to say you sorry. Please, it's mean it. अब मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। I don't want to discuss it anymore. It's my humble request to you. एक बार दिल से फील करवा दो कि आपने मुझे माफ कर दिया। आपकी बात मुकम्मल हो गई? फोन बंद कर दूं मैं? प्लीज लिसन, लिसन, मुझे मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने आपको माफ ही तो किया था, मैं क्यों नाराज होने लग गई आपसे? आप हैं कौन? ओके फाइन फाइन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी हाँ, मुझे भी यही लगता है, मुझे भी आगे इस रिश्ते में कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, जब मैं मजबूर हूँ, आप मजबूर हैं, तो एक काम करते हैं। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ। ये क्या है? आलिया का तीसरा गुड मॉर्निंग मैसेज है। तो मतलब क्यों है? एक बात बताओ, मेरे फेसबुक का पासवर्ड क्या है? उमर सोया। मेरे एटीएम का पासवर्ड क्या है? 1996। ये क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ। मेरे व्हाट्सएप का पैटर्न किसको पता है? मुझे पता है। सब कुछ तुम्हें पता है तो हाउ कैन यू आस्क? तो तुमने उसे अभी तक ब्लॉक क्यों नहीं किया? अरे भाई, उसे मैं अच्छा लगता हूँ। क्या मतलब तुम उसे अच्छे लगते हो? ऐसे कैसे अच्छे लग सकते हो तुम उसे? यार लिसन, हमारे बिटवीन डिसाइड हुआ था ना कि हमें कोई भी कोई बोलेगा कुछ, हम उसे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। हाँ डिसाइड हुआ था तो मैंने किया, लेकिन ये भी डिसाइड नहीं हुआ था कि तुम रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, वो तुम्हें मैसेज पे मैसेज करती रहेगी। एटलीस्ट तुम उसे ब्लॉक तो कर सकते हो ना? शायद तुम अब एक नई बात कर रही हो। अच्छा, नई बात कर रही हूँ? मैं नहीं बात कर रही हूँ। अबे यार, ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी है, और मैं तुमसे तब तक बात नहीं करूंगी जब तक तुम मुझे सॉरी नहीं बोलोगे। यार एक तो शक तुमने किया, अपनी कही हुई बात पे तुमने फॉल खेल रही हो आप, रिस्पॉन्ड नहीं करना, और मैंने जो कि नहीं किया, और ऊपर से पानी भी तुमने मुझ पे फेंका, और अब एक नई बात कि सॉरी करूं मैं तुमसे? सॉरी तुम्हें इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि तुमने उसे अभी तक ब्लॉक नहीं किया है। अच्छा भाई, माफ कर दो मुझे, कान पकड़ लिया मैंने अब। माफ कर दो ना यार, खुश हो जाओ।
बात सुने। चिड़चिड़ी क्यों हो गई आप? मुझे नहीं लगता ये सवाल आपको मुझसे करना चाहिए। मतलब? मैं पहले कभी इतनी चिड़चिड़ी थी? मैं तो हमेशा से बहुत खुश रहती थी, अपनी लाइफ को एंजॉय करती। बस इतना चाहती थी कि आपको रियलाइज हो कि आपने भी कुछ गलत किया। लेकिन मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि आपके चिड़चिड़े होने की वजह कुछ और है। क्या? सुन, कहीं वाकई सलमान याद तो नहीं आ रहा? आप मर्दों का ना यही प्रॉब्लम, आप जो चीज देख लेते हैं ना आप कहते यही सच। वैसे मैं क्या समझूं, इसी वजह से आप मेरे साथ जेल में नहीं खड़े थे ना? मैंने आपको समझने के लिए कैद में तो नहीं रखा। आप जो समझना चाहती हैं समझे, वैसे भी आप वही करती हैं जो आपकी समझ में आता है। मैं जो करने के लिए कहता हूँ वो आपकी समझ में नहीं आता। खैर, हमारी बहस इस बात पर नहीं। मेरा ख्याल है कि हमारे पास मौजू ही नहीं है बात करने के लिए। मौजू है तो सिर्फ लड़ाई के लिए। एक मजबूरी है जो रिश्ता चल रहा है। जी हाँ, मुझे भी यही लगता है। मुझे भी आगे इस रिश्ते में कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, जब मैं मजबूर हूँ आप मजबूर है तो एक काम करते हैं ना, हम बात ही नहीं करते। अब तो मत करे बात, मुझे भी नहीं होगी। मुझे भी बात नहीं करनी। मैं बांध देती हूँ। नहीं, रहने दे। ऑफिस। ऑफिस। मैडम कहा ना, मैं तुमसे और तुम्हारी बातों से कभी बोर नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर पहले मुझे रीजन। यार रीजन ये कि तुम मेरी सिर्फ दोस्त नहीं हो, तुम मेरा प्यार हो, मेरा पागल बनो, दीवाना बनो मेरा। आई कांट लिव विदाउट यू। यार मैं जो तुमसे करता हूँ ना वो एक पागलों वाला प्यार है। वैसा प्यार तुम्हें कोई भी नहीं कर सकता। यार मेरा प्यार ना एक अलग लेवल है। समझ जाओ ना मैं तुमसे कैसा प्यार करता हूँ। यार सूरत, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। बस मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सूरत चाहिए, सिर्फ सूरत। डोंट वरी मेरी जान, मैं तुमसे कभी बोर नहीं हो सकता। वैसे पक्का ना? का
आज इंशाल्लाह जब मिलेंगे ना मैं उसे कन्विंस कर लूंगा। इतना बुरा नहीं हूं मैं, एंड ऑफ द डे आज उसे बता दूंगा, आज उसे यकीन दिला दूंगा। वो क्या हुआ, तो तुम ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? बताओ क्या बोला तुम्हारे घर वाले ने? अब देखो इतनी खूबसूरत प्यारी और डिंपल गर्ल उन्हें नहीं मिलेगी। बताओ ना मुझे क्या बोला उन्होंने, बोलो जल्दी क्या बोला तुम्हारे घर वालों ने? कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो ऐसा मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? मुझसे कुछ बोलो तो, फटे हो तो, क्या बोलो? यार मामा भी ना बड़ी अजीब सी बात करती हैं। क्या अजीब सी बातें करती हैं? तुम मुझसे कुछ बोलोगे तो पता चलेगा, ऐसे मुंह लटका के बैठोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? बताओ ना क्या बोला तुम्हारी मामा ने? सूरत यार क्या बताऊं, तुम्हारी हाइट का प्रॉब्लम आ रहा है। मम्मा कहती हैं लड़की की हाइट और एज दोनों लड़के से बराबर नहीं होनी चाहिए। यार मम्मा कहती हैं लड़की के कद जो है ना, लड़के के कद के हिसाब से थोड़ा छोटा होना चाहिए। What the hell is this, उमर? तुम अपनी मम्मा को समझाओ यार। और वो औरत होके औरत को ऐसा बोल रही है? दुनिया की कौन सी नोटबुक में इस तरह लिखा है? लड़की का कद कहाँ मैटर करता है? हाँ। क्या हाँ? अपनी मामा को समझाओ कि लड़की का कद मैटर नहीं करता, हमारा रिलेशन मैटर करता है यार। खैर मैं क्या करूं, मम्मा के नजदीक औरत की हाइट और एज दोनों मैटर करती है। क्या फजूल बकवास है ये? सूरत सूरत मेरी बात तो सुनो। सूरत मैं यहां तुमसे तुम्हारी राय जानने आई, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी, तुमसे शादी करनी, तुम्हारी अमीर के साथ में। मेरे लिए तुम्हारी राय मैटर करती है, तुम्हारी अम्मी की नहीं। अब तुम मुझे बताओगे क्या तुम्हारे लिए भी मेरा कद मैटर करता है या नहीं? आओ बैठ के बात करो। यस और नो। आओ ना बैठ। मैंने कहा यस और नो। देखो मेरे लिए बहुत उमर, मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या तुम्हारे लिए भी मेरी हाइट मैटर करती है, यस और नो? देखो मुश्किल हो जाएगा। क्या मुश्किल हो जाएगा? भवानी साहब की बेटी का उनके घर से रिश्ता आया, अगर मैंने अभी कोई स्टैंड लिया तो वो मुझे आग कर देंगे। तो मैं इसे क्या समझूं, यस और नो? तुम नहीं समझ रही, बहुत मुश्किल हो जाएगा ये। मींस यस। देखो हमारे माशरे में इस तरीके से पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके बात करना। उमर मैं तुमसे बार बार एक ही सवाल कर रही हूँ, तुम मुझे जवाब दो यस और नो। नो। उमर तुमने जो किया अपने लिए बिल्कुल ठीक किया, मैंने जो कुछ भी किया अपने लिए बहुत गलत। औरत का लंबा कद मैटर करता है, सीरत मैटर नहीं करती। मुझे लगता था कि तुम सेल्फिश हो। नहीं, वाकई हमारे माशरे में औरत का कद मैटर करता है, सीरत मैटर नहीं करता। मर्द हो ना तुम, अपने आप को मर्द कहते हो। तुम मर्द हो और तुम स्टैंड नहीं ले सकते। कहां गई तुम्हारी मोहब्बत हो? कहां गई तुम्हारी वो बातें वो कस्में? कहां है सब कुछ उमर? लड़की हूं ना मैं तुम्हें स्टैंड लेके दिखाऊंगी। क्या स्टैंड लोगी तुम? इस माशरे के खिलाफ जाके स्टैंड लोगी तुम? जहां पे रिश्ते हैं नाते हैं ताल्लुक है वहां स्टैंड लोगी तुम? ये मेरा लाइफ स्टाइल, ये उनकी दी हुई गाड़ी, सब उनका दिया हुआ है। रोड पे आ जाएंगे हम। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हें इसी कद के साथ शादी करके दिखाऊंगी, और फिर तुम्हें आइडिया होगा कि तुमने स्टैंड ना लेके कितनी बड़ी गलती की है। जब मैं लड़का होके कोई स्टैंड नहीं ले सकता तो तुम लड़की होके कैसे कोई स्टैंड ले सकती हो? इन्हीं 15 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगी, और देखना
तुमसे ज्यादा चाहने वाला इंसान होगा वो जिससे मैं शादी करूं। तुम तो स्टैंड नहीं ले सकते ना, तुम तो अपने माँ बाप के साथ रहोगे, इस माशरे की फिक्र करोगे, तो तुम करो इस माशरे की फिक्र। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हिम्मत किसे कहते। इतने बड़े रिलेशन को तुमने इस कद की बेस पे तुमने एंड किया है ना, इसी कद के साथ सूरत तुम्हें 15 दिन के अंदर अंदर शादी करके दिखाए, और ये शर्त जिंदगी भर याद रखो, क्योंकि तुम्हें बहुत पछताना है शर्त के। मैं उसे कह दूंगा कि वो मेरी पहली और आखिरी गलती थी, वो मुझे माफ कर देगी इंशाल्लाह, बस वो आती होगी। शर्ट तो ठीक है ना? हाँ शर्ट ठीक है। बहुत तेज है गुस्से की, मगर सुबह आज उसने मुझसे यही कहा है कि वो मुझसे मिलने आ रही है, फिर तो शायद मान जाइए। हो सकता उसको मुझ पर रहम आ गया हो, 4 महीने की मेहनत है मेरी, 4 महीने से कोशिश कर रहा हूँ उससे बात करने की, रहम आ गया होगा उसको मुझ पर, जब ही तो मुझसे मिलने आ रही है, मान जाइए। आप अगर दुनिया के आखिरी मर्द भी होंगे ना, तब भी मैं आपकी तरफ नहीं, क्योंकि आपने उस वक्त मुझे ऐसी जगह छोड़ा था जहां मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं। छोटे मियां छोटे मियां छोटे मियां छोटे मियां। बैठिए प्लीज। कुछ ऑर्डर करूं? आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मतलब की बात करें, मुझे मर्द के और रूप नहीं देखना। देखिए मैं बाय हार्ट बाय सॉल आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं मानता हूं मेरी गलती थी, मुझे स्टेप लेना चाहिए था जो कि मैंने नहीं लिया। मैं आज भी पछता रहा हूं, मुझे मेरी गलती का एहसास है। आपने ठीक कहा था, मैं अपने पेरेंट्स को बोलता तो वो मान जाते, मगर मैंने नहीं बोला। जिंदगी में सबको एक बार मौका मिलता है, और वो मौका मैंने खो दिया। ये बात मुझे आपके जाने के बाद रियलाइज हुई। मैं जानता हूं आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में, आप एक शादीशुदा औरत हैं। जब भी आप मुझे जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन 5 महीने बाद ही सही आपने मुझे रिप्लाई देना तो सही समझा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, प्लीज मुझे एक दफा माफ कर दें। सूरत प्लीज मुझे एक दफा माफ कर दो। आपकी बात कंप्लीट हो गई? जी कंप्लीट हो गई। मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार मुझे माफ कर दो। देखिए उमर सईद साहब, मर्द चाहे किसी भी रूप में, चाहे वो उमर हो, सीरत हो या सलमान हो, मर्द मर्द ही होता है। और अब मुझे किसी भी मर्द पे ट्रस्ट नहीं करना। देखें सूरत, मैं किसी भी मर्द की तरह या आपके हस्बैंड की तरह, जिस रात उसने आपको अकेले रोड, एक मिनट, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, उस रात आपने मुझे मेरे घर तक ड्रॉप किया था, तो आपको लगता है कि मेरे दिल में आपके लिए कुछ जज्बात हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर दुनिया के आखिरी मर्द भी होंगे ना, तब भी मैं आपकी तरफ नहीं, क्योंकि आपने उस वक्त मुझे ऐसी जगह छोड़ा था जहां मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं।
इवन आज आज अगर मैं जहां खड़ी हूं वो भी आपकी वजह से, हो सकता है मैं कभी सीरत को माफ करूं, हो सकता है मैं शायद उस सलमान को भी माफ करूं, लेकिन आपको आपको मैं कभी माफ नहीं करूं। और हां, मैं एक शादीशुदा औरत हूं, तो आइंदा मुझे कॉल्स और मैसेजेस करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि आपके कॉल्स और मैसेजेस मेरी शादीशुदा जिंदगी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। प्रेगनेंसी की खबर सुनाने के लिए मुझे सिर्फ 3 दफा टाइम लेना पड़ा। यार कहाँ हो यार, मैं तो कराची में ही हूँ, तुम आई और चले भी गई। बंदा मैसेज करके इंतजार ही करता है, मीटिंग में था। आई लव यू। लव यू टू। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। सादे हैं रूखी रूखी बातें हैं, बोले हैं सादे हैं रूखी रूखी बातें हैं।